बात करते हैं TAAR से, जहां रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली शेख उर्दू नोश को इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर किए गए नरखों पर फरोख्त करने पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर TAAR अल्ताफ गोहर मेमन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी TAAR का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हुआ TAAR मोहम्मद इब्राहिम आलिवानी, असिस्टेंट कमिश्नर TAAR फ़हीम शाकिर, असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ अब्दुल शकूर सोलंगी, असिस्टेंट कमिश्नर झंडू मरी मोहसिन अमीर चांडियो, डिप्टी डायरेक्टर महकमा इतलात TAAR खालिद हुसैन बोगियो, महकमा खुराक के ज़िलाई अफसरान, अंजुमन ताजरान TAAR, होलसेल एंड रिटेलर एसोसिएशन TAAR के नुमाइंदगान और दीगर कारोबारी हजरात की शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर TAAR अल्ताफ गोहर मेमन ने इजलास को बताया कि सिंध हुकूमत की सख्त हदायत हैं कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली शेख उर्दू नोश को इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर किए गए नरखों पर फरोख्त करने पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और इस ज़मन में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में हमें खल्के खुदा का ख्याल रखना है और इनके लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं और इनकी तकलीफ को कम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि रोज़मर्रा की अशिया में आने वाली अशिया के नर्ख बढ़ाने के बजाय कम करने चाहिए और अशिया खुर्दो नोश सरकारी रेट लिस्ट पर मुकर्रर किए जाए और होलसेल और रिटेलर के नर्ख मुकर्रर किए गए हैं, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा।